भाई साहब ला रहे, भाई साहब ला रहे, भाई साहब ये नीचा 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 भाई साहब लोकतांत्रिक मुल्क में आज आजादी कितने साल बाद खुद को इतना असुरक्षित महसूस क्यों किया जा रहा है, वो क्या रहा है? यहाँ पर सर आपातकाल लगा हुआ है। जैसे पाकिस्तान में एक तानाशाह था जनरल, वैसे यहाँ राजस्थान में ये वसुंधरा है और वसुंधरा के गुर्ग यहाँ बाढ़ में जैसलमेर नंगा नाच और तांडव नृत्य कर रहे हैं। पिछले 10 महीने से सर्व समाज के 10-15 युवाओं के मैं नाम बता सकता हूँ जिनको झूठे मुकदमे में फंसाया गया। एक हमारे पत्रकार भाई है दुर्ग सिंह, उनको बिहार भेजा गया। एक हमारे आजाद सिंह कांग्रेस का वो चुनाव टिकट मांग रहे हैं। एक वो RCA में कुछ बन गए कोषाध्यक्ष जो वसुंधरा का खास था, उसने रातों रात फोन करके उनका जो बिजनेस था धंधे की ऑफिस थी उसको रातों रात बुलडोजर चलवा के बंद करवा दिया और वहाँ पर एक अंधे या विकलांग लोगों की ऑफिस खोल दी और वो आजाद सिंह 3 साल से अपने किराया दे रहा। उसके बाद नंबर आता है सांसद मोहनदे रोड से जा रहे थे बेचारे दो लोगों ने, इसमें एक चौधरी था और एक राजपूत था गुमान सिंह और किशोर, उन्होंने ये ओवरटेक की क्या गाड़ी निकाली सांसद को तो जैसे तोहिन लग गई, वो खुद को गद्दा भी समझने लग गया और उस प्रशासन को बोला मेरे पर फायरिंग कर दी। उसने 4-5 गाड़ियां मंगवा कर मीठड़ा गांव में उनका अपहरण का प्रयास किया और पुलिस को पकड़ के यहां पर थाना लेके आए और फिर रात भर पूरी मारपीट की गई। और उसके बाद में आते हैं अभी एक जो काले झंडे वाला मैटर था गौरव यात्रा। गौरव का मतलब उजला सफेद जिसको अपन पवित्र कहते हैं और इस गौरव मोह इसको काले रंग से इतना डर था तो पुलिस वालों के सबसे पहले काले बाल कटवाने चाहिए या उनको सफेद करना चाहिए, अभी वो किए तो नहीं। और हमारे लोगों ने क्या काले झंडे बता दिए, उसने अपने नाक का सवाल बना दिया। उसमें 4 राजपूत है, 1 राणा राजपूत है और 3 जाट है, उन युवाओं का जीवन बर्बाद कर दिया। ये 20 साल मुकदमे चलेंगे और उनकी कोई सुनवाई नहीं होनी। हमारी एक ही मांग है यार, कोई अपराध करे उसको पकड़ो, मारो, गोली मारो, जो करो, जो निर्दोष है उनको क्यों फंसा रहे हो? एक को फंसा के BR भेज रहे हो, एक की रातों रात किसी को पता नहीं है उसको उठा के रिपोर्ट लिखा के उसकी ऑफिस बिखेर देते। गुमान सिंह को जानलेवा हमले में अटेम्प्ट मर्डर में गिरफ्तार कर रहे हो, ये आपने मतलब यहाँ क्या लगा रखा? आप ये कह दो भाई हम सभी यहाँ जिला सीमावर्ती क्षेत्र में रहते हैं, आप पाकिस्तान चले जाओ तो हम वहाँ चले जाए, यहाँ हम क्या जख मारे आप लोगों के पास में बैठकर? और हिंदुत्व की ठेकेदारी करने वाले जब भी ऐसी कोई बात होती है तो उनको बात करते हैं तो कुछ सुनते नहीं। हम आज ये खुले शब्दों में कहते हैं हमारी जाति बिरादरी जो राजपूत समाज से जुड़े हुए लोग हैं और नेतागिरी कर रहे हैं हमारे नाम की ठेकेदारी कर रहे हैं उनके हम मुंह काले करेंगे 25 तारीख तक यदि हमारी जो मांग नहीं मानी गई तो। आपने बाड़मेर बंद का भी अल्टीमेटम दिया है और प्रशासन से एक मांग की है, क्या मांग है? जांच की मांग है, क्या चाहते हैं? हमारी मांग सबसे पहले है वो है काले झंडे वालों को उसमें मुकदमे वापस ली जाए। दूसरे जो झूठे मांग मुकदमे ये गुमान सिंह मेटर शासन है वो भी वापस ली जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वो सिर्फ हम क्यों भुगत रहे हैं, जो कर रहे हैं झूठे उन पर कार्रवाई की जाए। आपकी मांगे नहीं मानी जाएगी तो आगे आपका क्या? 25 तारीख को बाड़मेर बंद है और 25 बाड़मेर बंद के बाद में हमारी जाति बिरादरी का कोई भी BJP का झंडा लेके हमारे गांव में प्रवेश किया उसको काला मुंह अलग से करेंगे और दूसरी कार्रवाई और करेंगे जो सरकार को उखाड़ना उखाड़ दे हमारा।